एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेशन स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 2 को, जिसमें 25 प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, जो आने वाले CGL, CHSL, MTS और GD एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लें। तो चलिए बारी बारी से इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने DI का है। इसमें क्या कह रहा है कि चार स्टेट है, कर्नाटका है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और केरला है। तो बोल रहा है इसमें कि आपको कि इन सभी में सबसे कम क्या का बात कर रहा है, सबसे कम का बात कर रहा है कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, लिटरेसी रेट कहाँ है। तो क्या करना होगा, एक तो विद्वत बनाइएगा, तो आपको 2011, 2001, 1991, 1981 ये सभी डाटा को क्या करिएगा, कर्नाटका का सभी को जोड़ के 4 से भाग दीजिएगा, एवरेज निकालिएगा। गुजरात का जो भी डाटा रहा है इन सभी को जोड़ के 4 से भाग दीजिएगा। फिर आंध्रा का टोटल डाटा को जोड़ के 4 से भाग निकालिएगा। फिर केरला का निकालिएगा, चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करिएगा। अब इसमें जिसका भी एवरेज वैल्यू ज़्यादा आएगा वही आंसर होगा। ऐसे तो बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5 नहीं है, 70 है। तो देखिए, जैसे हम लोग दहाई अंक से स्टार्ट करते हैं, तो 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18, 4, 22। 22 का मतलब 220 के लमसम में है। अब इसका बात कीजिए, 7, 6, 13, 13, 6, 18, 18, 4, 22 ये भी 220 के लमसम में, मतलब 220 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 9, 9 और 1, 4 को छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए, 6, 6, 12, 12, 4, 16, 16, 3, 19 ये 190 के करीब में आएगा। ये 9, 9, 18, 18, 8, 26, 26, 7, 33 अगर ये भी डाटा अगर आपको जो 190 वाला भी 220 के करीब होता, तब हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते थे। तो पता चल रहा है कि सबसे कम डाटा जो किसका आ रहा है, तो सबसे कम जोड़ने पा रहा है किसका आ रहा है, आंध्र प्रदेश का। इसका मतलब आंध्र प्रदेश का एवरेज क्या होगा, सबसे कम होगा। इसको कभी भी आप देखिएगा, जब भी कैलकुलेटिव होता है क्वेश्चन, तो उसको ऑप्शन से बनाइए, क्योंकि ऑप्शन से बनाइएगा तो बेटर होता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जोड़े, तो क्योंकि एवरेज से निकालिएगा तो एवरेज में तो जोड़ने के बाद 4 से भाग पड़ता है। तो कर्नाटका का जितने 4 ईयर्स का दिया हुआ है सभी को जोड़ के 4 से भाग देंगे, गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, केरला का, जिसका एवरेज वैल्यू सबसे कम होगा वही आंसर होगा। तो क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग क्या किए कि हम लोगों ने मान लिया कि दहाई अंक से ही स्टार्ट कर लिए, कि दहाई वाला जितना सबको जोड़ लेते हैं। तो मोटा मोटी एक रफ आइडिया हो गया कि पहला वाला जो कर्नाटका है 220 के करीब पहुंचेगा, गुजरात भी 220 के करीब पहुंचेगा, आंध्रा जो है 190 के आसपास पहुंचेगा, केरला 330 के आसपास पहुंचेगा। तो कौन सा आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन जाएगा बी, आंध्रा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये किस चीज़ का क्वेश्चन है। तो ये आपका इंडिसेज एंड सर्च का है, घातांक एंड करनी का है। तो बताइए, 625 है, तो जो कि दोनों में बेस सेम है, तो जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, तो जुट जाता है। तो 0.07 और 0.18 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 625 के पावर कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। कहिएगा कि सर इसको भी और तोड़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि 625 भी टूटेगा, इसको कितना में तोड़ सकते हैं, तो 5 का पावर 4 में। ऐसे करने पे क्या होगा ना, कि बाहर में जो पॉइंट वाला है ये ब्रैकेट में चला जाएगा और गुना हो जाएगा। तो चूंकि ब्रैकेट में पावर आ गया तब तो गुना होगा, तब 5 के पावर कितना हो गया, 25 चौका 100। 100 में चूंकि 2 अंक के बाद आपका पॉइंट है, तो हट जाएगा, तो कितना जाएगा, 100 का मतलब 1 बन जाएगा। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 1 आंसर, तो 5 आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 0.25 में गुना करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, तो 100 बन जाएगा। 100 के बाद क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना, तो लगा दिया, तो कितना हो गया, 1 बन जाएगा। ऐसा फिर क्यों तोड़े, क्योंकि नहीं तोड़ते तो ये कोई एक 625 के पावर 0.25 था। दूसरा क्या कर सकते थे कि आप 625 के पावर ऐसे लिख सकते थे, 0.25 का मतलब 25/100 लिख देते, 25/100 का मतलब 4 आ जाता, तो 1/4। तो अंदर भी 5 के पावर 4 हो जाता, बाहर में 1/4, क्योंकि ब्रैकेट में गुना होता है, तो गुना कर दिए, तो पावर 5 का पावर कितना हो जाएगा, 1, आंसर कितना आ जाता, 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट में छोटा वाला है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो 5 × 2 = 7, 732 होगा। ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 3/4 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 से गुना भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 2 = 72 और फिर 4 × 12। अभी कितना हो गया, तो नीचे में हो गया सर आपको, नीचे में हो गया 32/94, नीचे में हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 × 3 = 9, 8 × 2 = 24, 7 × 2 = 5 हो जाएगा।
3 3 9 8 24 बिंदु 5 हो जाएगा, इन प्लस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब ये लगेगा कि नहीं लगेगा कहिएगा सर, लगेगा सर कितने बार में लगेगा, चूंकि इकाइयां के यहाँ पे 4 है तो 6 बार में लगेगा, कितने बार में लगेगा 6 बार में, करिएगा तो 9 4 54 हाथ में 5, 6 6 4 24 5 29 हाथ में 2 6 5 30 2 32 तो 6 बार में लग गया तो कितना आ जाएगा, तो 506 आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है कि सेल फोन का जो मार्क प्राइस है वो 23,000 है, एक 14% दे रहा है फिर 16% का, तो मतलब 23,000 का सामान था और कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट आएगा वैल्यू, देखिए यहाँ पे कह रहा है अप्रोक्सीमेट मतलब कि पॉइंट में आने वाला है, तो पॉइंट वाला हटा के लिखना है 23,000, 14% का डिस्काउंट दिया मतलब कितना, तो 14% का डिस्काउंट मतलब 86% पे मिला उसको, ये 86% पे मिला, फिर इस पे भी डिस्काउंट दे रहा है कितना परसेंट का, 16% का, तो 100 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 84 हो जाएगा, तो अब जो बचा हुआ दाम है उसका 84 पे मिलेगा वो। पहला क्या किया कि 14% का डिस्काउंट मतलब 86% पे मिला, फिर 16% का डिस्काउंट मतलब 84% पे मिला, अब क्या है कि काट लेना है तो काट लीजिए, यहाँ पे काटे तो 00 से 00 कट गया, फिर 10 से 10 कटेगा, आपको क्या कटेगा 10 से 10 कटेगा, काट लेते 10 से 10, अब हो गया आपको 23 गुना 86 गुना 84, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 86 into 84, ये तो आसान है सर, 85 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 85 प्लस 1 85 माइनस 1, इसका गुना डायरेक्ट कर लेते हैं, 85 का स्क्वायर माइनस 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, 9 8 72 25 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 72 24 होगा, गुना कर लीजिए 23 गुना 72 24 डिवाइडेड बाई 10 आएगा, तो गुना करने पे कितना आएगा, तो 16,615 आएगा, गुना करने पे डिवाइडेड बाई 10 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 16,615.2, क्योंकि कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट निकालना है तो मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 16,615 आंसर, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं था, इसका एग्जैक्ट ऑप्शन का बात कीजिएगा तो ऑप्शन था इसका, लिख देते हैं ऑप्शन को, इसका ऑप्शन तो नहीं है अभी, एक था ऑप्शन में इसका 16,100, बी था 16,200, सी था 16,350, डी था 16,615। ऑप्शन अगर जाइएगा, अगर बात कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन से बनाना रहता ये 10 से भागा देते तो कितना आ जाता 2.3 गुना 7 2 2 2 4, इसका मतलब इसको दुगना करेंगे फिर 0.3 से गुना, तो दुगना करेंगे 7 दुना का 14 हो जाएगा, 22 दुना का 44 8, तो 14,000 कितना हो जाएगा 14,448 आ जाएगा, फिर इसको क्या करना है 3 से गुना का मतलब कि आपको यहाँ 3 से गुना जब कीजिएगा 0.3 से, ये तो खत्म हो जाएगा, चल जाएगा पॉइंट में बन जाएगा, तो 3 दुना का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अगर देखिए इसको शॉर्ट में गुना करना है तो कैसे करते हैं, अगर शॉर्ट में गुना करना होगा तो कैसे करेंगे, क्या कर देते कि 2.3 गुना करना था ना, 23/10 का मतलब 2.3 7224, इसको पहले क्या करते हैं दुगना गुना करते हैं, दूसरे से गुना करते हैं, अब फिर उसके बाद किससे गुना करते हैं 0.3 से, तो वही तो किए, दूसरे गुना किए तो कितना आ गया, तो दूसरे गुना किए तो सर 14,448, अब 0.3 से गुना कीजिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा सर, हो जाएगा ये 7 होगा, और गुना कीजिए 3 से गुना कीजिए ना 0.3 से, तो 4 3 12 हाथ में 1 3 6 1 7 3 2 9 6 और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 27 21, कितना हो जाएगा 27 21, जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 0.2 तो आ ही रहा था आपको, देखिए आ रहा था, फिर 8 7 15 हाथ में 1 6 4 10 1 11 हाथ में 1 4 1 5 1 6 आ ही रहा था, 4 2 6 16,615.2 आ रहा था। ये क्वेश्चन किस चीज़ का, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अगर आप इसको विद्वत बनाइएगा तो एक्स का मान रखना पड़ेगा आपको माइनस वाई माइनस जेड रखना पड़ेगा, वाई का मान रखना होगा माइनस जेड माइनस एक्स, ऐसे बनाइएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा, ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी आपको वैल्यू पुटिंग से रखना, क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन में गौर कीजिएगा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू पे डिपेंड नहीं है, वैल्यू पे डिपेंड नहीं है,
इसका मतलब आप कुछ भी रखिए लेकिन ऐसा रखिए जो नीचे में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि भागा में जीरो का मतलब अनडिफाइंड होगा। तो हम इसको एक्स का मान वन रख लेते हैं, वाई का मान माइनस वन रख लेते हैं, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जेड का मान हम जीरो रख लेते हैं। अब रखते हैं एक्स का मान है वन, एक्स का मान है वन का स्क्वायर, और वाई हो जाएगा माइनस वन इंटू जीरो, जीरो हो गया, प्लस वाई स्क्वायर, तो फिर माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर, जेड, जेड कितना है जीरो, एक्स कितना है वन, प्लस जेड का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीरो का स्क्वायर माइनस वन इंटू वन। अब देखिए कहीं भी बटा में जीरो नहीं बन रहा है, तो वन बटा कितना हो गया वन, ये कितना आ गया आपको वन बटा वन हो गया, ये कितना हो गया आपको, ये हो गया जीरो। तो वन में वन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टू आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, तो ए जाएगा। ये क्वेश्चन किस चीज का, ये क्वेश्चन है वैल्यू पुटिंग का। ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी आप इसको सॉल्व मत कीजिएगा, विद्वत सॉल्व कीजिएगा बहुत टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चलिए देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है, आर्क की लंबाई दे रहा है, मतलब कि एल का मान दे रहा है, आर्क मतलब चाप की लंबाई कितना है 18 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना दे रहा था 28.8। आप एक चीज पढ़े होंगे कि थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर, यहाँ से आर का मान निकल जाएगा, और जब आर निकल जाएगा तो आपको परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यहाँ पे आर का मान रख दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो थीटा जो होता है रेडियन में होता है, क्या में होता है, रेडियन में, और दे क्या में रहा है आपको, डिग्री में दे रहा है, क्या में दे रहा है, डिग्री में। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो सर 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 180 से गुना करना पड़ेगा सर, कितना डिग्री था तो 28.8 था, तो सर पाई बटा 180 गुना 28.8 का मतलब हो जाएगा 288/10, 18 से काट लेते हैं, 18 एकम 18, 18 6 78 से 108, 18 दहाँ का 100, अब काट लिए ऊपर में 16 है नीचे में 100 है, तो 4 चौका 16 25 चौका 100, तो कितना आ गया 4π/25 आ गया। अब रख दीजिए आर बराबर हो जाएगा आपको एल बाई थीटा हो जाएगा, और एल का मान है 18, इसका मान है 4π डिवाइडेड बाई कितना 25, 25 तो ऊपर जाएगा, तो काट लेते हैं पहले 2 दूना का 4 9 दूना का 18, 25 ऊपर गया तो कितना आ गया, तो 25 ऊपर जाएगा तो 225/2π आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा आर का, जैसे ही आर आ गया तो इसको पुट कर दीजिए तो 2π आर, आर का मान कितना है 225/2π, 2π से 2π खत्म हो गया, तो कितना आ गया 225 सेंटीमीटर, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी जाएगा। तो ये इसमें क्या करना था, आर का मान निकालना था, कैसे निकालना था, तो चूंकि हम लोग जानते हैं थीटा एल और आर के बीच में एक रिलेशन होता है, थीटा बराबर एल बाई आर, वहां थीटा जो होता है रेडियन में होता है, इसलिए रेडियन को पहले हम लोग रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को क्या किया, रेडियन में बदले कैसे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन से, वहां से रेडियन में बदल गया तो थीटा बराबर एल बाई आर रखे, वहां से आर निकाल लिया, और आर का जो मान निकल गया तो सी बराबर 2π आर, वहां से आपको परिधि निकल गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कर रहा है कि एक संख्या का 60%, पहला संख्या का 60% दूसरे संख्या का 3/4 के बराबर है, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100 आएगा, 60 बट्टा कितना हो जाएगा जी 100 होगा, सेकेंड नंबर का कितना है 3/4 है, ये तो कटेगा ना, तो काट लीजिए, तो सर कट रहा है सर 20 तिहाई 60 20 25 100, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड जो आ जाएगा 5 रेशियो कितना आ जाएगा 4, 5/4 का मतलब 5 रेशियो 4 आएगा, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा डी जाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला को बेलन के अंदर में लेना है, तो गोला जो है उसका व्यास दे रहा हुआ है 14 सेंटीमीटर, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस कितना होगा इसका, सर इसका जो रेडियस होगा स्मॉल आर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, इसको किसके अंदर लेना है, तो इसको कह रहा है कि आपको गोला के अंदर लेना है, तो ले लीजिए गोला के अंदर, गोला के अंदर लेते हैं हम लोग, टच करते हुए जाएगा, गोला के अंदर ले लिया, अंदर में किसके अंदर लेना, गोला को क्या लेना है, अंदर लेना, क्यों, क्योंकि अगर गोला जो होता है बेलन के अंदर में है, कह रहा है साफ साफ कैसे लेना होगा, तो गोला जो होगा टच करते हुए स्फीयर जो होगा बेलन को क्या करते हुए जाएगा, टच करते हुए, ये बन गया। अच्छा बेलन का जो
हाइट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इससे गोला का जो व्यास उसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइट तो आपका यही हो जाएगा बेलन का, एच बराबर डी हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अच्छा इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस जो होगा सर बेलन का वो तो आपको गोला के रेडियस के बराबर होगा, तो कितना सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल गया बेलन का हाइट पता है, रेडियस पता है, तो नहीं निकल जाएगा आपको फॉर्मूला से वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब होता है 22/7, आर का मतलब होता है 7 × 7, एच का मतलब कितना होता है, एच का मतलब होता है 14, 7 से 7 कटा। और देखिए इसको गुना नहीं करना, इकाई अंक चाहिए, सचो का 28, यहाँ पे 2 है तो 8 × 2 = 16, तो इकाई अंक जो जिसमें 6 रहा होगा वही आंसर होगा, मतलब 2156 सेंटीमीटर³ होगा। तो इसको गुना करने पे कितना बनेगा, 2156 सेंटीमीटर, कितना बनेगा, 2156 सेंटीमीटर³। देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि 2 दशमलव तक सही निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। क्या करता है कि एक मशीन खरीदा 5,000 में, और यहां ध्यान दीजिए 250 रुपया उसको लगा अलग से, क्या लगा, खर्चा लगा लाने में। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो भी आप खरीद के ले आ रहे हैं उसमें जो भी आप पेंटिंग में लगे या आपका जो भी ट्रेवलिंग में लगे वो कॉस्ट प्राइस में जुटता है। तो कॉस्ट प्राइस 5,000 नहीं हुआ, क्योंकि 250 रुपया आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है इसको लाने में। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 5,250 रुपया। इसको बेच कितने में दे रहा है, तो कहिएगा सर 5,075 में। लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो कहिएगा सर लॉस हो रहा है, तो कितना का लॉस हुआ, तो 5,250 - 5,075 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 250 में से 75 जाएगा, तो 175 रुपये आएगा लॉस हुआ। परसेंटेज लॉस किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, तो 175 / CP, सीपी कितना है 52.50 × कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 25 से लगाते हैं तो 25 × 125 = 125, 25 लगाएंगे तो 25 × 2 = 50, 25 × 1 = 25, यहां से काटेंगे तो 27/21, तो 10/3 का मतलब कितना होता है, तो 3.33% का क्या होगा लॉस, क्या होगा लॉस, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए इसमें एक दिन में अधिकतम, इसमें एक दिन में अधिकतम घंटों में संख्या में खर्च करता है, खर्च कहाँ ज्यादा हो रहा है, खर्च आपको देखा देख 24 घंटा के रूप में ये बता रहा खर्चा है, सबसे ज्यादा खर्चा क्या दिखाई दे रहा है, 35%। मैक्सिमम खर्चा कहाँ दिखाई दे रहा है, तो 35% यही है ना, ये 35% किसका है, इस टाइप का जो ये वाला जो है दिखाई दे रहा है ये किसका भाग है, तब स्लीपिंग वाला का है, इसका स्लीपिंग वाला का आंसर क्या जाएगा, स्लिप पे जाएगा, स्लिप पे जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला तो 10% है, ऐसा ऐसा वाला कौन सा है, तो ये होमवर्क है, ये वाला कौन सा है, 10% होमवर्क है, खाली वाला कौन सा है, तो खाली वाला सर अदर्स है, ये अदर्स है। आपको तो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला पूछा था कि जो कौन है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला कौन है, स्लीपिंग है। कह रहा है कि गोपाल जो है आशा से 15% अधिक प्राप्त किया, आशा को जो जो भी मिला होगा उससे 15% ज्यादा मिलेगा, और आशा ने सचिन से 10% ज्यादा अंक लाया, इसका मतलब सचिन का अंक पता हो जाएगा तो आशा का निकल जाएगा, आशा का पता हो जाएगा तो आपको गोपाल का निकल जाएगा। इसका मतलब सचिन को हम लोग मान लेते 100, 100 से 10 ज्यादा मतलब 110%, मतलब 100 का 110% 110 आएगा, 110 से 15% ज्यादा होगा, 15% ज्यादा मतलब कि 115 हो जाएगा परसेंट वैल्यू हो जाएगा, तो 110 का 115% वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि 110 से 15% ज्यादा का मतलब एक तो होगा कि 110 का 15% निकालिए, या डायरेक्ट 110 का 115% निकाल लीजिए, तो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपको 5 एकम काट लेते हैं, 2 5 10, यहाँ काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10 23, 3 एकम 3, 3 2 5, 253/2 आएगा। गोपाल को कितना आया, तो सर कहिएगा 12 × 2 = 24, 126.5 अंक आया। तो पूछा गोपाल ने सचिन से कितना अधिक प्राप्त किया, तो सचिन से कितना प्राप्त कर रहा ज्यादा, तो 26.5 कर रहा है सचिन से, तो जिसमें परसेंटेज निकालना रहता है तो से वाला नीचे लिखाता है या फ्रॉम वाला नीचे निकालता है, 100 × 100 कितना
हो जाएगा 26.5% आएगा। तो जिससे परसेंटेज निकालना, जैसे सचिन से लगा हुआ तो से नीचे लिखा है, कितना ज्यादा है तो 26.5 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना किया। क्या कर रहा है, पर 19 संख्याओं का औसत 8.5 है, यदि 63 के स्थान पर 25 लिख दिए, लिखना था सही, करेक्ट लिखना था 63, रॉन्ग लिख दिए कितना 25, तो ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया, तो सर कम लिख दिए, कितना कम लिख दिए तो माइनस कर लेते हैं, तो 13 में से 5 गया 8, और उसके बाद हो जाएगा 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया 3। तो कहिएगा 38 सर आपने, 38 जो था आपने कम लिखा, इसका मतलब ओरिजिनल में 38 क्या था, ज्यादा वैल्यू था, ओरिजिनल में 38 आप ज्यादा लिखते तो करेक्ट आ जाता। अच्छा, ओरिजिनल में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 38 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये एवरेज में एवरेज उठता है, तो 38 को एवरेज बनाएंगे तो कैसे संख्या है, तो 19 संख्या, 38 जो होगा बढ़ेगा तो 19 संख्या में बटेगा, तो कितना बढ़ जाएगा, तो कहिएगा सर ओरिजिनल में सर इसको 2 बढ़ा के लिखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल में सर 8.5 से कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। क्या किए, देखिए कितना कम था, तो 3.8 कम था, इसका मतलब प्लस ओरिजिनल में 3.8 करें, 38 ज्यादा था, कितना कम था, 38 कम था, तो 38 ज्यादा रहा होगा, क्यों, क्योंकि 63 के जगह 25 लिख दिया, मतलब 38 कम, मतलब ओरिजिनल में 38 ज्यादा। अगर एवरेज वाइज बाई वैल्यू बात कीजिएगा तो 38 को नंबर से भाग देंगे तो कितना ज्यादा होगा, तो एवरेज वाइज बात कीजिएगा तो प्लस 2 ज्यादा रहना चाहिए, तो 8.5 में प्लस 2 जोड़े तो कितना आ गया, 10.5। एक गोले का आयतन 38,808 है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, बताइए गोला का आयतन क्या निकालते हैं, तो 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर क्यू, इसका मान दे रहा है 38,808। देखिए जब भी आर क्यू निकाले होंगे तो ध्यान दीजिए, आर क्यू हो जाएगा 38,808 गुना 21 बट्टा में 22 का 88 या 22 गुना 4 कीजिए। एक तो होगा कि आप इसको कटम कुटम कीजिए, दूसरा क्या होगा सर, अगर ये क्यूब में है ये कट के भी 21 जो आएगा सर, तो ये जो 21 आएगा तो 3 बार आना चाहिए, ये बार आएगा, मतलब कि 3 बार आना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्यूब तबे सेट होगा। आर क्यू जो होगा यहाँ पे काटिएगा तो कितना आएगा, 21 का क्यूब आएगा, तब ना आर का मान 21 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सर कटेगा नहीं है तो समझ में, तो काट लीजिए 4×9=36, 2×4=28, 0×2 आ गया। अब 11 से काट लेते हम लोग, काटेंगे तो कितना, या 22 से काट लीजिए, 22×4=88, 88 कर दिए तो 7×9 22×4=88, 22×2=22, 441, 441 का मतलब हो गया 21×21, यहाँ भी 21 आ गया आर क्यू, तो आर का मान कितना आ गया 21। ये तो हम पहले ही जानते थे सर 21 आएगा, बाकी ये तो इससे कटेगा, 21 आ गया। जैसे आर निकल गया तो पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो सरफेस एरिया कितना होता है, तो गोला का सरफेस एरिया होता है 4πr² तो 4π का मतलब होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21×21, तो सत्या कितना हो जाएगा 21। इकाई अंक से बना सकते हैं क्या, 3×3, 3×2=6, 6×4=24 बन सकता है सर। इकाई अंक कितना आ रहा है, तो देखिए 3×3 फिर 3×2=6, 6×4=24 मतलब 4, तो इकाई अंक यूनिट डिजिट 4 रहना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी जाएगा, आंसर बी होगा। गुना करने पे कितना बनेगा, 55×44। अच्छा बताइए साइन और कॉस कब बराबर होता है, तो सर कहिएगा साइन और कॉस तब बराबर होता है जब जोड़ने पे एंगल सर θ1 θ2 90 डिग्री हो जाए, तो θ1 θ2 कितना हो जाए 90 डिग्री होगा, तब साइन और कॉस बराबर होता है, जैसे साइन 30 cos 30 के बराबर। इसको बताइए कॉस 55 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 में से घटा के इसको सर लिख सकते हैं साइन 35। इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर बन गया, इसको कॉस स्क्वायर बनाते हैं तो साइन 55 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 35। अब गुना हुआ तो साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना था 1। अब देख रहा कह रहा है कि परसेंटेज में वृद्धि बोल रहा है, तो देखिए 9 पे आप 10% निकालिएगा, 11 पे 20% निकालिएगा, 5 पे निकालिएगा तो पॉइंट में आएगा, तो 9 11 को हम 900 लिख देते हैं ताकि हम आसानी से परसेंटेज निकाल लें, 100 1100 लिख लेते हैं 500, अभी भी कितना है 9 11 5,
ऐसा करने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हमको 10% 20% 30% आसानी से निकले पॉइंट में ना है, कैलकुलेशन इजी हो। अब कह रहा है कि यदि इन वस्तुओं में 10% की वृद्धि हुआ, 10% का वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 900 का 10% निकालिएगा तो 90 वृद्धि, मतलब 990 में होगा। डायरेक्ट कर लीजिए, 900 में 10% का वृद्धि मतलब 110% हो गया वैल्यू, 0 0 कट गया तो कितना आ गया 1199। अब कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब 20/100 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 220 ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1320 होगा, कितना होगा 1320 हो जाएगा। इसमें कितना ज्यादा है, तो 30% की वृद्धि है, तो 500 में 30% की वृद्धि मतलब अब वैल्यू 130% हो गया, 0 से 0 कट गया, 13 5 65, 13 5 65 650 हो गया। तो देख रहे होंगे कितना हुआ, पहला 990, दूसरा है 1320, तीसरा क्या है 650। 1100 का 20% वृद्धि का मतलब 120% वैल्यू हो गया, 120/100 कर दिए थे, 12 × 11 करिएगा तो 132 आएगा, 10 आ गया। अब बताइए कितना खर्चा है, तो सर कहिएगा सर 990 प्लस 1320 प्लस 650, इन सभी को जोड़िए तो कितना आ रहा है, इन सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपको, तो कहिएगा सर इन सभी को जोड़ने पर आएगा 2960 आएगा, कितना आएगा 2960। पहले खर्चा कितना था, तो सर पहले खर्चा था सर 900 1100 और 500, तो कितना हो गया 1100 20 2500 रुपया। पहले से खर्चा बढ़ गया कि घट गया, तो सर पहले से बढ़ा, सर कितना बढ़ गया, तो कहिएगा सर बढ़ गया आपको सर 460 बढ़ा, कितना बढ़ा 460। परसेंटेज वैल्यू किस पे निकलता है, शुरुआत वाला पे, तो 2500 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 59 45, 5 × 10, 5 से काटेंगे तो 25 25, 92 में 5 से भागा देंगे 18 5 90, 5 × 20 18.4% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि अनुप्रवाह में मतलब डाउन पोल में क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम का चाल दे रहा है आपको, चाल नहीं दे रहा है, इसको निकालना पड़ेगा, तो दूरी पता है समय पता है तो कितना हो जाएगा, बोट प्लस स्ट्रीम का मान कितना है 9। डाउन पोल में मतलब डाउन स्ट्रीम में अनुप्रवाह में क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट माइनस स्ट्रीम। इसका चाल निकालेंगे तो दूरी दिया हुआ 49, समय दिया हुआ है 7, तो कितना आ जाएगा चाल 7 आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा आपको बोट प्लस स्ट्रीम पता है, बोट माइनस स्ट्रीम पता है, और स्ट्रीम का पता पूछ रहा है धारा की गति, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो स्ट्रीम स्ट्रीम कट जाएगा, तो फिर उसके बाद बोट निकलेगा, तो हम क्या उन्हें जोड़ देंगे नहीं, इसको घटा देते ताकि स्ट्रीम में का तो मान निकाले, घटाएंगे ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, बोट बोट क्या हो गया कट गया, तो 2 स्ट्रीम बराबर 9 में से 7 गया, 2 स्ट्रीम बराबर 9 में से 7 गया 2, तो 2 से 2 कट गया, स्ट्रीम का मान कितना गया 1 किलोमीटर पर आवर। अब ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं, आर क्यूब प्लस 1/r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1/r 1 है। चलिए क्या करेंगे, हमको सर इस वाले फॉर्मेट पे पहले सजाना है, हम लोग को क्या करना है, इस वाले फॉर्मेट पे सजा लेते हैं। इसको बनाने के लिए तो आपको दिया हुआ तो नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो चलिए बना लेते हैं। आर प्लस 1/r लाने का प्रयास कीजिए, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, तो कहिएगा सर नीचे में तो आर बन जाएगा, नीचे में तो आर कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आर आ जाएगा 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/r। सर ये दोनों आर प्लस 1/r का तो मान लिख देंगे 11 - 1, इसका मतलब ऊपर में भी आर कॉमन ले लेते सर, ताकि नीचे वाला कॉमन ऊपर वाला कॉमन कट जाए, आर कॉमन लेंगे तो आर क्यूब बनाने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि 1/1 1/r लाना है, तो नीचे में 2 r रखेंगे तब ना एक r कटेगा तो 1/r आएगा, तो कहिएगा हाँ कितना आ गया। अच्छा बताइए कोई भी वैल्यू देता है पॉजिटिव, उसका स्क्वायर कैसे निकलता है, तो सर वैल्यू का अगर पॉजिटिव दे रहा है वैल्यू मतलब प्लस में जुटा हुआ है यहाँ, और इसका रिवर्स वैल्यू दे रहा है मतलब एक एक्स एक्स 1/x दे रहा है, स्क्वायर वैल्यू कैसे निकलता है, तो वैल्यू का स्क्वायर -2 होता है, कितना आ जाएगा इसका मान 121 - 2 मतलब कितना हो जाएगा 119 आएगा।
इसका मान कितना आ जाएगा 119। नीचे में बताइए r प्लस वन बाई आर का मान कितना है 11, और यहाँ कितना माइनस वन, 11 में से माइनस वन जाएगा तो कितना आ जाएगा जी, तो 10 आ जाएगा। 119 बटा 10 कहाँ है, ऑप्शन में बी नंबर है। अब क्या कह रहा है कि रेट जो है, रेट 10% पर एनम था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, सीआई जो लग रहा है ये कर अर्धवार्षिक है, तो रेट भी तो आधा हो जाएगा, साल में आधा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक हो गया, तो 10/2 मतलब 5% से लगेगा हर 6 महीना पे, और टाइम 18 महीना है, तो 18 महीना में कै गो छमाही होता है, तो कहिएगा सर 3 गो छमाही होता है, कितना छमाही होता है 3 गो, तो कै बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। रेट पता है आपको, रेट का मतलब प्लस में होगा 5/100, तब 1/20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, तो पहला साल में 20, एक बढ़ा 21, कई बार लिखेंगे चूंकि 3 छमाही है, तो 3 बार लिखेंगे, 20 से 21 20 से 21, यहां हो जाएगा 2 चौका 4 दून 8 8000, यहां तो गुना कर लेते हैं, यही कि इसका क्यू का, और इसमें से किसी एक का मान दे रहा परिपक्व दे राशि, दे राशि मतलब अमाउंट का मान दे रहा है, ये तो प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट, इसका मान दे रहा है कितना 83349, कई बार में लगेगा क्योंकि इकाई अंक यहां 11 है और 2 दुना का 4 दुना का 8, मतलब कि 9 बार में लगेगा, कितने बार में लगेगा, एक को कितना से गुना करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 बार में, इसको भी 9 बार में गुना कर देंगे तो ओरिजिनल आपको अमाउंट मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे पता चला सर आपको अप्रोक्सीमेशन, मोटा मोटी सोचिए 21 गुना 21 कीजिएगा तो 441 गुना 21 कीजिएगा तो 8000 से ज्यादा, और 8000 से ज्यादा मतलब 83000 में भागा देना, मतलब 10 बार में तो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट में तो है नहीं ऑप्शन, मतलब एक है इकाई अंक तो उसमें कितना से गुना करेंगे तो 9 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ 9 आने के लिए सर 9 से गुना करेंगे, तो 8000 में भी किससे गुना करना पड़ेगा 9 से, तो प्रिंसिपल पता चल गया आपको 72000। कह रहा है कि अगर रविवार की बात करें तो रविवार को 330 आता है, रविवार को कितना था 330, अन्य दिन कितना था 240, अगर महीना में 30 दिन है और बोल रहा है कि शनिवार से स्टार्ट कीजिएगा, तो देखिए शनिवार फर्स्ट डे है, तो फिर शनिवार कब आएगा तो सर 7 दिन बाद आएगा, 8 तारीख को आएगा, फिर कितना आएगा तो सर ऐसी ऐसी कीजिएगा तो 1 तारीख, फिर 8 तारीख, फिर सर 7 दिन बाद आएगा तो 15 तारीख, फिर कितना आ जाएगा 15 7 कितना हो जाएगा, तो 1 तारीख हो गया 22 तारीख, 22 के बाद कितना हो जाएगा 29 तारीख, क्या तारीख हो जाएगा 29 तारीख, तो बताइए इस दिन क्या आएगा, सैटरडे आएगा, क्यों, क्योंकि हर 7 दिन के बाद रिपीट होगा, सैटरडे, इसका मतलब जो 30वां तारीख होगा वो क्या आएगा, 30वां तारीख वो तो सर संडे होगा, और चूंकि यहाँ 4 गो वीक है तो 4 गो संडे तो पहले ही आ रहा था, और एक संडे हो गया 30 तारीख वाला, तो टोटल संडे कितना हो गया, तो टोटल संडे हो गया सर अब आपको 5 गो आएगा, क्यों, क्योंकि 4 गो तो आता है आपको हर 8 दिन के अंदर में, 7 दिन होता तो उसमें तो 1 गो संडे आईबे करता, 7 दिन पे 1 गो 1 गो आता, तो कै गो वीक हो गया, तो सर कहिएगा यहाँ तक ले 4 वीक हो गया, 4 सप्ताह हो गया, इसमें क्या आएगा 4 संडे, इसके बाद अतिरिक्त जब 29 को सैटरडे है तो 30 को तो संडे होगा, मतलब जो आपको 4 दिन से ज्यादा आएगा संडे, मतलब क्या दिन आएगा 5 दिन आएगा, टोटल कितना होगा 5, अच्छा जब 5 दिन आएगा तो बताइए संडे को कितना है, तो संडे के दिन सर 330 आ रहा है, अंदिना कितना आ रहा है, अंदिना के कहिएगा सर 240 आ रहा है, कितना रहा अंदिना 240, इसका मतलब अकेला संडे को कितना ज्यादा आ रहा है, अकेला संडे को बात करिएगा तो सर 90 ज्यादा आ रहा है, तो टोटल कितना ज्यादा आएगा, तो सर 5 गो संडे में सर बात कीजिएगा तो 90 पच्चीस कितना आ जाएगा 450, तो कहिएगा सर 450 गो जो विजिटर था वो एक्स्ट्रा आएगा महीना में, इसका मतलब 240 तो आना ही आना था, इसमें 450 जोड़ दे, नहीं ये टोटल है, इसको एवरेज बनाइएगा तो क्या करना पड़ेगा दिन से भाग देना पड़ेगा, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना आ रहा है ज्यादा, तो 450 आएगा, इसको एवरेज बनाने के लिए 30 से भागा दिए तो कितना ज्यादा आएगा सर 15 ज्यादा आएगा, एवरेज में कितना ज्यादा आएगा तो 15 ज्यादा आएगा, तो 240 तो आएगा ही आएगा, अब बाकी संडे का कारण एक्स्ट्रा आ रहा है तो मतलब कितना आ जाएगा 255 होगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला क्वेश्चन किस चीज का है, तो मेंसुरेशन का है। क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को पिघलाया गया, तो पिघलाएंगे तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, जो बड़का वाला का वॉल्यूम हो जाएगा, ये जो सभी छोटा वाला के पिघलाए सभी के वॉल्यूम को जोड़ने के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिघलाने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, घन का वॉल्यूम क्या होता है, 1 क्यूब। ये तो हो गया 27, ये हो गया 64, ये हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा, 7 4 11 5 16, हाथ में 1 2 8 2 10 1 11, हाथ में 1 1 1 2, कितना हो जाएगा, 216। ए का मान कितना हो जाएगा, तो क्यूब रूट 216 इसका मान होता है। तो ये कहिएगा सब, बड़ा वाला का घन का बुझा गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि छोटे वाले कुल का पृष्ठ क्षेत्रफल बड़े वाले के कुल के क्षेत्रफल से, तो छोटा वाला का बताइए, तो 6 गुना कितना होता है, भुजा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 6 कॉमन ले लिए, चूंकि 6 गुना भुजा स्क्वायर सब में आएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर सब में आएगा, तो 6 कॉमन ले लिए, तो 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 का स्क्वायर। कह रहा है कि छोटे वाला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू a स्क्वायर होता है, तो सब में आएगा 6, तो कॉमन आ गया तो बाहर ले लिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि रेशियो कह रहा है बड़े वाला का, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका भुजा कितना, 6 का स्क्वायर, 6 से 6 क्या हो गया, कट गया, ऊपर में 9 16 9 25, अब 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 बटा कितना हो जाएगा, नीचे में आएगा 36, रेशियो आ जाएगा 25 बटा 18, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर पी जो है 2015-16 में, 15 और 16 में पी, पी कौन सा है, तो इस ये वाला है सर, ये वाला जो पूरा वाला है, ये 2015 में कितना था पी, तो 200 था, 2016 में कितना था, तो 250, इसका एवरेज, तो 200 और 250 के बीच में एवरेज कितना आ जाएगा, तो 200 और 250 के बीच में एवरेज हो जाएगा सर 225 हो जाएगा, या दो जोड़ के 200 भाग दे दीजिए, हम डायरेक्ट वही कर दिए, 450 बट्टा 2 मतलब 225 आ जाएगा, या डायरेक्ट एवरेज निकालने के 200 और 250 के बीच में कौन आता है, 225, एक तो होगा कि जोड़ के करिए, तो 200 प्लस 250/2 एवरेज निकल गया, चूंकि 2 ईयर है, 450/2 225। क्यू का कह रहा है कि 2017-2018, ये क्यू है, क्यू यहाँ कितना है, तो क्यू है सर यहाँ पे 150, यहाँ पे क्यू कितना है, तो क्यू है सर 50, एवरेज निकालिएगा तो 150 प्लस 50, तो कहिएगा सर 200, इसका एवरेज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 बट्टा 2 मतलब एवरेज हो जाएगा सर इसका, 200 बट्टा 2 मतलब 100 आ जाएगा, इसका एवरेज है सर 225, इसका है 100, अंतर कितना हो जाएगा डिफरेंस, 225 माइनस 100 मतलब अंतर आ जाएगा 125 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। कह रहा है कि 360 से विभाज्य, 360 का मतलब क्या होता है, 36 गुना 10, और तोड़िएगा तो 4 गुना 9 गुना इंटू 10, तो देखिए 10 से तो सब में भागा लग रहा है, क्यों, क्योंकि सब में 0 है, 4 से, 4 से भी सब में लग रहा है सर, सब में लास्ट में डबल 0 है, एकमासी है तो अंतिम दो अंक में तो लग ही रहा है, तो 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भागा देना पड़ेगा 9 से, तो 9 से देखिए किस में लग रहा है, तो कहिएगा 9 का मतलब अंकों का जोड़, तो 7 1 8, 8 1 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 में 900 लगता है कि नहीं लगता, लगता है, ए होगा, ये नहीं लगेगा, 7 1 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 में 9 से भाग नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अंकों का जोड़ 9 से भाग लगना चाहिए, 6 1 7, 7 4 13, 13 2 15, 15 में 9 से भाग नहीं लगेगा, नहीं होगा, 7 1 8, 8 1 9, 9 8 17, 17 में 5 से भाग नहीं लगेगा, कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए में 360 से भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 से तो सब में भाग लग रहा है, 4 से सब में लग रहा है, अब 9 से केवल चेक करना था ना, तो कर लिए। कह रहा है कि अर्धवार्षिक है, एक तो फॉर्मूला निकाल रहे, अर्धवार्षिक का मतलब साल में कै गो अर्धवार्षिक होगा, तो 2 गो होगा, तो 6% के हिसाब से कह रहा है न्यूनतम दर रेट, अगर आपको 6% पर एनम है, अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा, हाफ में कितना हो जाएगा, तो रेट हाफ हो जाता सर, तो 6 बट्टा 2 मतलब 3% से चलेगा, 3% 3% से 2 बार चलेगा, तो कैसे निकालेंगे, एक तो सक्सेसिव से निकाल सकते हैं, दूसरा चेंज से निकाल सकते हैं, तो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, यही फॉर्मूला पढ़े, या एक्स प्लस वाई 2 साल के लिए, चेंज क्या होता है, एक्स वाई बाई 100,
तीन तीन कितना हो गया, छः, यही हो गया 0.09, तो कितना आ जाएगा 6.09%। लेकिन यहाँ परसेंट में नहीं दे रहा है, परसेंट को तोड़ दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 609 एक हो जाएगा और टूटेगा तो ये आ जाएगा बट्टा में 100, एक हो जाएगा परसेंटेज के लिए, तो भागा देंगे तो कितना आ जाएगा। तो सर 3 अंक है तो 2 गो और चाहिए, तो सर यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, फिर तो उसके बाद कितना हो जाएगा 0, तो 2 अंक आ गया, फिर 609। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। आपको तो खाली डायरेक्ट यही देखना था कि इसमें 609 आ रहा था, इसमें आ रहा था नहीं आ रहा, इसमें आ रहा था नहीं आ रहा था, इसमें आ रहा था नहीं आ रहा था। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि अंकित मूल्य पर, चूंकि यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू पूछा है, इसका मतलब हम लोग कुछ भी मान सकते हैं अंकित मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य कुछ भी मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अंकित मूल्य आप कुछ भी मानिए। कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 20% का छूट देता है, अगर क्रेडिट कार्ड से लीजिएगा तो 5.5% एक्स्ट्रा लगेगा आपको, यदि 40% नगद दिया शेष मतलब 60% क्रेडिट से दिया तो उसका भुगतान अंकित मूल्य का कितना परसेंट है। तो देखिए दो बार परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपको, एक तो 40% वैल्यू निकालना, अगर 100 मानिएगा तो 100 का 40% निकालिएगा तो 40, फिर 40 का 20% निकालिएगा, तो क्या होगा कि दो बार निकालने में पॉइंट मानने लगता है। तो इसलिए आप क्या करिए कि अंकित मूल्य है जो जो भी मार्क प्राइस है उसको मान लीजिए 1,000 मान लीजिए या 10,000 मान लीजिए, ताकि आसान हो जाए। अब इसमें नगद कितना पे लेता है, तो सर नगद करिएगा, कैश का बात कीजिएगा तो सर 40%, 40% कैश पे लिया मतलब 1,000 का 40% कैश पे लेगा तो कितना रुपया कैश पे लिया, तो सर कहिएगा 400 रुपया। तो बाकी क्या पे लिया, तो क्रेडिट कार्ड पे लिया, कितना लिया तो 600 रुपया, 1,000 में से आपको 400 घटेगा तो 600। जब आपको कैश पे दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, कितना का डिस्काउंट मिलेगा 20% का, इसका मतलब आपको मिला कितना में, तो सर 400 का सामान 20% डिस्काउंट मतलब 80% में हम खरीद के लाए, हमको कितना लगा 400 रुपया का सामान, तो हम खरीदे तो सर हमको खरीदने में कितना लगा 320 रुपया, एक तो होगा 400 का 20% निकालिएगा तो 80 आएगा, फिर घटा दीजिएगा तो 320 रुपया में खरीदा। अब इसमें कह रहा है कि नहीं, इसमें आपको लगेगा 0.5% ज्यादा लगेगा, 0.5% का वैल्यू निकाल लीजिए कितना ज्यादा लग रहा है, एक तो हो जाएगा 100.5% करके भी निकाल सकते हैं, या 0.5% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 0.5% का मतलब पॉइंट हटेगा तो बट्टा में 10 और परसेंटेज हटेगा तो 100, 00 से 00 5 में 2, मतलब कैर पे एक्स्ट्रा लग रहा है, तो कहिएगा सर 0.5% का मतलब 3 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब 600 नहीं, 600 के जगह आपको कितना देना पड़ेगा 603। तो कितना आपने भुगतान किया, तो कहिए सर 320 रुपया यहाँ पे किए और 603 रुपया यहाँ पे किए, कितना हमको हो गया 639, कहिएगा 923 आ रहा है सर। अब 923 रुपया को कह रहा है कि अंकित मूल्य का कितना परसेंट है, कहाँ अंकित मूल्य में लगा, तो नीचे लिख दिए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 00 से 00 कट गया तो कितना आ जाएगा 92.3%। आप 100 मान के भी बना सकते थे, क्योंकि दो बार परसेंटेज निकालना था, ध्यान दीजिए जब भी दो बार निकालना होगा तो बेटर होगा 1,000 या 10,000 मान लीजिए, एक बार यहाँ निकालना पड़ता है, एक बार यहाँ निकालना पड़ता है, ऑप्शन कौन सा जाएगा 92.3 जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रांजल को पूरा करें विक्रम का दुगना, विक्रम को जो टाइम लग रहा है उसका दुगना और अश्वनी को जो टाइम लग रहा है इसका तिगुना। हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि 2 और 3 कैल्शियम ले लेते हैं, तो 2 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 6। हम मान लिए ना कि प्रांजल जो काम कर रहा है वो वर्क कितना कर रहा है, तो वर्क करने में टाइम लग रहा है इसको सर 6 घंटा। तो विक्रम क्या हो जाएगा, तो विक्रम से दुगना लग रहा है, मतलब विक्रम इसका आधा काम करेगा आधा टाइम में करेगा, तब इसको 3 घंटा लगेगा। और अश्वनी का कितना, अश्वनी को तिगुना लगना है, 6 का 3 गुना लगने के लिए अश्वनी का मान यहाँ कितना रखिएगा, तो सर कहिएगा सर 2 रखेंगे, तब ना द्वितीय कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए हम क्या किए, जो भी आया विक्रम और अश्वनी था उसका हम लोग मान लिए कि विक्रम और अश्वनी का एलसीएम मान लिए 6 आया, मान लिए कि प्रांजल 6 काम कर रहा है 6 घंटे में कर रहा है, तो जो आपको विक्रम है तो विक्रम क्या होगा, तो विक्रम का दुगना कर रहा है मतलब विक्रम को आधा लग रहा है टाइम, आधा लगेगा मतलब 3 घंटा लगेगा। अगर इसका तिगुना ले रहा है, अश्वनी का तिगुना ले रहा है मतलब कि अश्वनी को 1/3 टाइम से लग रहा है, तो 6 का 1/3 करेंगे तो कितना घंटा लगेगा 2 घंटा। और इफिशियंसी और टाइम के बीच में रिलेशन जानते हैं कैसा रिलेशन होता है, उल्टा होता है, तो इफिशियंसी जस्ट उल्टा होगा,
इन्वर्स होगा, क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो 6 3 और 2 का इन्वर्स निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो कहिएगा सर छिपा के निकालते हैं, जब इसका उल्टा निकालिएगा तो 6 को छिपाइए तो 3 और 2 बचेगा तो 3 दूना का 6, जब 3 निकालना होगा तो 3 को छिपाइए तो 6 और 2 तो 6 दूना का 12, जब 2 का निकालना होगा इन्वर्स तो 6 और 3 छत्ती 18, काटना है तो काट लीजिए सर। तो कहिएगा इफिशियंसी जो आ जाएगा सर 1 2 3 के रेशियो में आएगा। एक दिन में कितना बना सकता है तीनों मिलके, तो कहिएगा सर तीनों मिलके 6 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। और टोटल दिन कितना लग रहा है, 6 दिन लग रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन में 6 काम कर सकता है, 6 दिन लग रहा है तो कितना काम हो जाएगा, टोटल 36 हो जाएगा। तो चूंकि टोटल वर्क तो सबके लिए सेम रहता है, तो विक्रम उसको कितने दिन में करेगा, तो विक्रम के लिए तो आपको 36 काम है। अब विक्रम का क्षमता कितना है, तो विक्रम का क्षमता सर एक दिन में कितना करता है, तो 2। 36 काम कितने दिन में करेगा, तो 18 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए जाएगा। तो चलिए आज के लिए सेशन के लिए काफी था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।